हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने वीडियो टाइटल थंबनेल में देखा ही होगा, तो दोस्तों आज जो है हम कंप्यूटर पावर सप्लाई जो होता है, तो दोस्तों उसका यूज़ कर जो है मल्टीपल वोल्टेज इसका लेने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार से कबाड़ी की दुकान से एक जो है यहाँ पर मैंने SMPS ले लिया है। तो दोस्तों इसका यूज़ कर जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो आगे जानकारी लेने वाले। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूं। तो आइए दोस्तों अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको यहाँ पर इसका जो फ्रंट साइड है यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इसका कनेक्शंस यहाँ पर दिया गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमको इसको ऑन करने के लिए इस प्रकार से यहाँ चार वायर जो हमको मिल गए हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जो कौन सा वायर यहाँ पर इसको शॉर्ट करना है, तो ये ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पर शॉर्ट कर लिया है। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं तो इसका आउटपुट जो पावर है यहाँ पर हमको +5 वोल्ट और यहाँ पर इसका एम्पियर 23 एम्पियर हमको यहाँ पर इसका आउटपुट लोड मिलेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है -5 वोल्ट इसको भी जो है 0.5 एम्पियर और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है +12 वोल्ट और इसका भी जो है आउटपुट जो लोड हमको एम्पियर में मिलेगा वो 9.5 एम्पियर हमको मिलेगा। और जो यहाँ पर अपन नेगेटिव 12 वोल्ट यहाँ पर हमको इसके ऊपर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है 0.5 एम्पियर हमको लोड मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है इतने सारे वोल्टेज हमको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन दोस्तों इस पर जो है हम और भी एक्स्ट्रा वोल्टेज हम ले सकते हैं। तो दोस्तों वो कैसे ले सकते हैं आपको जो है वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको जो है इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो देख कर दोस्तों अगर आपको ये घर पर ट्राई करने की अगर कोशिश करते हैं तो दोस्तों आपके लिए जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों इसका जो बॉडी है तो इसमें जो है दोस्तों डायरेक्ट हमारा AC सप्लाई आ जाता है, तो जिससे जो है दोस्तों सारे कुछ जितने भी यहाँ पर कनेक्शंस के वायर हमको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं उन सारे वायर्स में जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है AC सप्लाई आ जाता है। तो दोस्तों जिससे जो है हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने की काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे को जो नॉलेज है तो मैं ये काम करता हूँ, तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही मैं आपको ये कर दिखा देता हूँ। लेकिन दोस्तों आप अगर इसको घर पर ट्राई करते हैं तो दोस्तों आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो दोस्तों कुछ भी हादसा हो सकता है। तो दोस्तों आप इसको घर पर ट्राई करते वक्त बिल्कुल सावधानी बरती है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं तो इसको सप्लाई देने की। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको सप्लाई देने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर सॉकेट दिया गया है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इस वाले SMPS में मेरे को दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जो कि देखिए दोस्तों यहाँ पर 110 वोल्ट और साथ ही देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसको स्लाइड करने पर ये 220 वोल्ट पर ऑपरेट हो जाता है। तो दोस्तों अभी भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हमें इस प्रकार से सप्लाई देने के लिए हमें एक पावर सप्लाई कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो दोस्तों वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमें एक पावर सप्लाई कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों इस वाले कॉर्ड को जो है अभी हम यहाँ पर इस प्रकार से इस वाले सॉकेट में हम इसको लगा लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है हम इसको यहाँ पर इस वाले साइड को जो है हम इस सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों अभी जो है यहाँ पर ऑन करने से पहला मैं आपको एक बार इन सारे वायर्स को अलग कर एक बार अलग कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सारा कुछ अभी मैंने यहाँ पर वायर्स अच्छे तरीके से रख लिए हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसके काफ़ी सारे वायर्स जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी सभी वायर्स में जो है दोस्तों यहाँ पर जो है सेम कलर में जो है सेम वोल्टेज हमको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है अभी यहाँ पर हम मल्टीमीटर ले लेंगे और इसका जो सिलेक्टर है हम इसको वोल्टेज पर सेट कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैं इसको 200 वोल्टेज पर इसको सेट कर रहा हूँ। तो इस वाले वोल्टीमीटर को जो है दोस्तों अभी मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके बाद देखिए दोस्तों अभी हम इस वाले पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं।
दोस्तों एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है, इसके जो वायर्स है दोस्तों, यहाँ पर जो है देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से कुछ अलग हो चुके हैं। तो दोस्तों इन वायर्स को जो हमें थोड़ा सा अच्छी तरीके से साइड में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों ये आपस में शॉर्ट होने पर यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट हो सकता है। वैसे तो अंदर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन लगा हुआ होता है दोस्तों, लेकिन जो है दोस्तों तब भी हमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। और दोस्तों साथ ही साथ हमको जो है इन वायर्स को जो है ये लाइव करंट होने की वजह से हमको इनसे जो है बॉडी से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों अभी हम इसको ऑन करते हैं, एक बार उसको वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी ऑन हो चुका है। मैं आपको एक बार जो है इसका बॉडी में से आपको वोल्टेज एक बार दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक टेस्टर जो है हमारा ग्लो हो रहा है। मैं आपको इनके कनेक्शंस के अंदर भी एक बार आपको चेक कर कर दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से जो हमारा टेस्टर ग्लो हो रहा है, यानी कि इसमें से जो है वोल्टेज हमको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम इसका वोल्टेज चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम मल्टीमीटर के प्रॉब को ले लेते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार से एक वायर हम यहाँ पर इस वाले एक बार कनेक्टर में हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है रेड, ब्लैक, ब्लैक और येलो यहाँ पर वायर हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ब्लैक वाले जो मिडल वाले दो साइड है, तो उसको हम मल्टीमीटर का इस वाले साइड को लगा लेते हैं। और देखिए दोस्तों जैसे अभी हम यहाँ पर रेड वायर पर इसको कनेक्ट करेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है वोल्टेज कुछ इस प्रकार से ये 5 वोल्ट आउटपुट देता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 5.5 बता रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रकार से हम 5 वोल्ट ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस वाले येलो वायर के साथ में इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है 11.6 हमको शो कर रहा है। ये जो है दोस्तों आउटपुट जो है हमको 12 वोल्ट लगभग हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं ये ब्लैक वायर को जो है दोस्तों हम इसी में रख लेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर हमको दो कनेक्टर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है इस प्रकार से हमको ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वाइट वायर हमको देखने को मिल रहा है मिडल साइड में। तो दोस्तों हम उसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हमको -5 वोल्ट हमको शो कर रहा है, यानी कि ये नेगेटिव 5 वोल्ट शो कर रहा है कुछ इस तरीके से, यानी कि दोस्तों इसमें जो है नेगेटिव वोल्टेज भी हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इस वाले वायर को हटा लेते हैं। और अभी हम यहाँ पर जो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर वायर ब्लू हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वायर के साथ में हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी सेम इस तरीके से माइनस वोल्टेज यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। ये भी दोस्तों नेगेटिव 12 वोल्टेज है ये। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी जो है हमको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम इस प्रकार से इसको अभी ब्लैक वायर से हम इसको हटा लेते हैं। और अभी देखिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पर जो है इसका रेड वायर है दोस्तों, तो रेड वायर के साथ में देखिए दोस्तों हम जो है इस वाले पॉजिटिव प्रोब को यहाँ पर लगा लेते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ पर इसके वाइट वायर के साथ में हम इसका वोल्टेज एक बार देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है लगभग ये 11 वोल्ट यहाँ पर हमको शो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल दोस्तों ये जो है 10 वोल्टेज पर आउटपुट देगा लोड पे। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो है जितना वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम यहाँ पर जो है अभी ब्लू वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है 17 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है हमको 17 वोल्टेज जो है दोस्तों हमको यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है। तो दोस्तों अभी हम इसको भी हटा लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों हम जो है इसको यहाँ पर जो है हम येलो वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों फिर से जो है हम इसका वाइट वायर हम पर हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों
यहाँ पर भी 70 वोल्टेज हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ब्लू वायर के साथ में इसको कनेक्ट कर लिया है तो दोस्तों ये लगभग जो है यहाँ पर 23 वोल्टेज हमको शो कर रहा है, यानी कि दोस्तों ये जो है एक्चुअल जो है ये 24 वोल्ट हमको शो करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई है। सेम इसी तरीके से जो है दोस्तों इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव सेम इसी तरीके से 5 वोल्ट की सप्लाई हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा, इसमें इस वाले जो पावर सप्लाई में दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई भी हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कुछ कुछ जगह पर जो है कुछ इस तरीके से, जैसा कि यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है हमने एक 2.1 होम थिएटर का बोर्ड ले लिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 12012 लिखा हुआ है, यानी कि दोस्तों इस वाले जो बोर्ड को है यहाँ पर हमको पॉजिटिव ग्राउंड और नेगेटिव कुछ इस प्रकार से 3 वायर्स की सप्लाई की ज़रूरत यहाँ पर हमको पड़ती है। तो दोस्तों काफ़ी सारे हमारे जो पावर सप्लाई होते हैं उसमें सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ 2 ही वायर निकलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है 3 वायर का सप्लाई हमको यहाँ पर चाहिए होता है। तो दोस्तों इस वाले बोर्ड को जो है हम इस वाले पावर सप्लाई से हमको इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने बताया था, इसका जो ब्लैक वायर है दोस्तों ये ग्राउंड ग्राउंड के लिए हम यूज़ करेंगे, यानी कि इसका जो सेंटर वाला वायर होता है 0 वाला, तो उसमें यूज़ करेंगे। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो साइड के 2 वायर्स है तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सिंपल हम जो एक वायर येलो वाला ले लेंगे, तो ये जो दोस्तों हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ब्लू वाला वायर है इसको हम नेगेटिव 12 वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा ये 12012 का पावर सप्लाई बन जाता है। और दोस्तों अगर हमको 5 वोल्ट में भी सेम इसी तरीके से 505 पर अगर इसको चलाना होगा, तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर रेड वायर होता है दोस्तों इसको हम पॉजिटिव 5 वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे, और जो इसका ब्लैक वायर है इसको हम ग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे, और जो यहाँ पर जिसका वाइट वायर है देखिए दोस्तों नेगेटिव 5 वोल्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस वाली पावर सप्लाई के साथ में हमको 505 का भी पावर सप्लाई हमको मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इस वाले छोटे से पावर सप्लाई से हम इतने सारे जो है वोल्टेज जो है हम यूज़ में ला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी जानकारी अच्छी मिली होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और दोस्तों अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है गुड बाय।